करेगी? देखिए, आगामी 3 दिनों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिले के 6 केंद्रों पर आयोजित हो रही है और रोज करीब 6,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे 2 पारियों में। तो हमने जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जो है, वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट किया है, जो शहर के मुख्य इलाके हैं उनमें डिप्लॉयमेंट किया है, मोबाइल पार्टीज बनाई हैं, सेंटरों पर भी भीड़ नियंत्रण के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल लगाया गया है, अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग करना और कोविड गाइडलाइंस की पालना कराने की भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करके और जो शहर में रैन बसेरे और धर्मशालाएं हैं उनको भी तैयार किया है, ताकि यदि कोई अभ्यर्थी रात में आ जाता है और वो सर्दी का मौसम है, वो कहीं रुकना चाहता है तो वो वहाँ रुक सकता है। और इसके अतिरिक्त कुछ पिकेट्स लगेंगे जो अभ्यर्थियों को सेंटर की तरफ रास्ता वगैरह बताने के लिए भी गाइड करेंगे। और एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया है जिसका नंबर हमने प्रसारित कर दिया है, कोई भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह की समस्या हो तो वो उस पर संपर्क कर सकता है। इंटरनेट भी बंद रहेगा? नहीं, इंटरनेट बंद नहीं रहेगा।